हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सब तक टाइमली क्लासेज का शेड्यूल और जो भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई अपडेट होगी वो आप सब तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। टाइमली अपडेटेड रहना बेहद ज़रूरी है, इस बात को आप सबको ध्यान रखना है। अब हम सब बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी है, ये आप सबको पहले से वेल डिफाइन है, सबको पता होगा। और बाकी जो 100% श्योर वाली बात है वो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद पता चल जाएगा आप सबको। अब हम अगर हम सब यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न की बात करते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग इस चैनल पे आप सबको सभी क्लासेज मिलती रहेंगी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज आने वाली हैं। सबसे पहले एक बार वैकेंसीज की बात कर लेते हैं हम सब कि जो वैकेंसीज हैं दोस्तों कितनी हैं। टोटल 1664 वैकेंसीज अभी तक बताई गई हैं न्यूज़पेपर में। टोटल अगर पोस्ट की बात की जाएगी तो 1664 वैकेंसीज हैं। अब इसमें वैकेंसीज हैं किसकी, मेनली स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं। अब स्टाफ नर्स किस में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं तो आप सबको पता 780 वैकेंसीज हैं। एमपीएसडब्ल्यू की अगर इसमें पूछा जाए कि एमपीएसडब्ल्यू की वैकेंसीज कितनी हैं तो लगभग 350 के आसपास एमपीएसडब्ल्यू की वैकेंसीज हैं। उसके अलावा फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज हैं, इसके साथ साथ टीबी हेल्थ विजिटर की भी वैकेंसीज हैं, टीबी हेल्थ विजिटर की भी वैकेंसीज यहाँ पे हैं और अन्य वैकेंसीज भी इसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहले आप सब ने एचएसएससी चेयरमैन का इंटरव्यू सुना होगा, उसमें उन्होंने बताया था कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम का जो पैटर्न है दोस्तों वो 50% जो है आपके सब्जेक्ट एलिमेंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी जिस हिसाब से जिस पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है उस सब्जेक्ट के 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो बच गए हैं 50% वो क्वेश्चन, इसमें आप सबको पता कि टोटल 100% में से हमारे यहाँ हरियाणा जीके का जो वेटेज है वो 25% रहता है। यानी इस 50% में से जो है आप यूं मानिएगा कि 25% यानी 25 क्वेश्चन जो है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आने हैं पेपर में, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं तो 50 जो क्वेश्चन है उसमें से 25 क्वेश्चन जो है वो हरियाणा जीके से रहने वाले हैं। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट हमारे बच गए हैं उनमें से भी आप सबको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स हो गया है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, कंप्यूटर है, तो यहाँ से भी आप सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बचे हुए क्वेश्चन यहाँ से हैं और जीके का पोर्शन हो गया जिसमें इंडिया जीके हो गया है, करंट अफेयर हो गया है, ये वाले पोर्शन से 25। हालांकि 50% का मतलब एक बात निश्चित नहीं है कि बिल्कुल 50% ही आएंगे, इन कुछ 2-4-5 क्वेश्चन जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं सब्जेक्ट एलिमेंट में भी और इन पोर्शन में भी। ये कहते हैं कि ये 25% जो है 100 में से यानी 25 क्वेश्चन जो है ये फिक्स आने ही आने हैं आप सबके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। 95 नंबर का अगर पेपर होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन इस बार आए हैं तो 25 क्वेश्चन जो है वो हरियाणा जीके से है। अब बात है कि तैयारी को कैसे करना है। अब अगर आप सब इस भूल में हैं कि जैसे रिजल्ट आएगा, पहले तो रिजल्ट आना है, दूसरा फिर वैकेंसीज आनी है, दूसरा वैकेंसीज भी आनी है, फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद पता नहीं कौन सा एग्जाम पहले कब होगा, कैसे एग्जाम होगा, फिर एग्जाम आएगा और जब ये एग्जाम डेट अनाउंस होगी तब अगर आप पढ़ने लगेंगे तो किसी भी हालत में पेपर पास नहीं होने वाला है। आपको सिलेक्शन तक निरंतर लगातार पढ़ाई करनी है। उस पढ़ाई के लिए आप सबको मैं बताऊं कि हम इस YouTube चैनल पे हरियाणा जीके की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक दो क्लास आप सबने देखी भी होगी, डेमोस और पप मान सकते हैं, क्लास अवेलेबल है और ये YouTube पे ही आप सबकी क्लास रहेंगी। यानी जो बिना सब्जेक्ट वाला है उसके अलावा जो पोर्शन होगा वो आप सबको यहाँ पे चैनल पे मिलेगा, इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप किसी बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो आप अरिहंत के दिग्दर्शन बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अरिहंत को पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी को पढ़ सकते हैं, स्पीडी की बुक को, करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। और पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, चाहे आपका एग्जाम कभी भी हो वो तैयारी आपकी काम ही आएगी, इस एग्जाम में नहीं तो किसी दूसरे एग्जाम में आ जाएगी तैयारी काम आएगी। एसएससी या पैरा मेडिकल भर्ती की बात करेंगे तो DSSBB की वैकेंसीज भी आनी है, अभी नए साल पर अच्छी खासी वैकेंसीज आपको DSSBB में मिलेगी। PGI रोहतक में भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, PGI रोहतक में भी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा। इसके साथ साथ ESIC में भी जो है वैकेंसीज आने वाली है नर्सिंग के रिगार्डिंग, तो वैकेंसियां बहुत हैं। और आजकल जीके का पोर्शन तो जो है वो हर एक सब्जेक्ट में शामिल कर दिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते जरूर रहिएगा। इसलिए पेपर को क्लियर करने का तरीका है कि लगातार आपको पढ़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा, एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनानी है आपको,
स्ट्रेटजी पता करना है सबसे पहले कि कैसे, वो पता कैसे चलेगी जब आप प्रीवियस पेपर को देखोगे। तो आपको प्रीवियस पेपर को देखना है सबसे पहले, पेपर अवेलेबल है, आप पेपर नेट से गूगल करके भी आप पेपर देख सकते हैं। तो आप प्रीवियस पेपर को स्टडी करना है आप सबको, और वहां से उसी हिसाब से उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैटर्न में क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन लेवल वही रहने वाला है, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट को बेहतर बनाना है, थोड़ा समय हरियाणा जीके को डेली देना है, थोड़ा थोड़ा करके आप सबको पढ़ते रहना है, और मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना मैथ रीजनिंग ये वो आसानी से लिए जाने वाले नंबर होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की और सवाल आ गए हैं, वहां से आसानी से आप सब नंबर ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा पोर्शन जो है वो कमजोर है, जिसकी आप सब तैयारी करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उसी हिसाब से सबसे पहले क्लासेस लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।